स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे बना सकते हैं एकदम ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, इसमें एक स्पेशल भी है। वो स्पेशल ये है कि हमने पिछले वीडियो में दो भिन्नों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना सीखा था, लेकिन इसमें हम तीन तीन भिन्नों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टूडेंट को भाग करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसे भी हम आज इसमें बताने वाले हैं और भाग करने की एकदम आसान तरीका भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट में ही हम बताएंगे कि भिन्न का भाग आप एकदम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जोड़ बताऊंगा, फिर उसके बाद घटाना, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद भाग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल हमारा है कि 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2, ये हमारा भिन्न लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले तो हमें इसका लघुतम निकालना होता है। तो लघुतम हम कैसे निकालेंगे, उसका वीडियो हमने भी ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहले ऐसे हम चिन्ह खींच लेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4, ये नीचे वालों का हम लोग लघुतम निकालते हैं, तो 4, 3, फिर 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम कितने से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से 4 में भाग चला जाएगा 2 बार में, फिर 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही लिख देंगे। इसके बाद फिर 2 से 2 में भाग जाएगा 1 बार में, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे, तो 2 से 1 बार में जाएगा, फिर 3 का 3 ही लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे तो 1 का 1 ही लिख देंगे, फिर 3 से 3 में 1 बार में भाग जाएगा तो 1 लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 का 1 ही लिख देंगे। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जैसे 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, ठीक है। 1 1 को आप गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल करके आ गया 12, तो हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 12। इसके बाद 4 से हम 12 में भाग देंगे, तो कितना बार में भाग जाएगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 बार में, और 3 से हम 1 में गुना कर देंगे, तो 3 × 1 = 3। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 से 12 में भाग देंगे, तो 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 बार में, तो 4 से हम 2 में गुना कर देंगे, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद 2 से 12 में भाग देंगे, तो 2 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 बार में भाग जाएगा, तो 6 से ऊपर वाले 1 में गुना कर देंगे, तो 6 × 6। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे जोड़ देंगे, तो 8 और 3 और 6 को जोड़ देंगे, तो 8 और 3 = 11, 11 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17, ठीक है, 17/12। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर चलिए अब मैं आपको घटाना बताता हूँ कि घटाना कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, तो सवाल हमारा दूसरा ये है घटाने का कि 1/4 − 2/3 − 1/2, ठीक है। तो सेम सवाल यही है, बस यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया है। तो
तो चलिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करेंगे कि 12 का एलसीएम तो 12 का 12 ही आएगा, तो चलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये पूरा सेम है तो एलसीएम तो 12 ही आएगा, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ऊपर का है 3, 8 और 6, ये भी सेम ही आएगा, तो 3, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 8 और फिर 6 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर बस क्या करना है कि माइनस का चिन्ह है तो हमें माइनस लगा देना है, और यहाँ पर भी माइनस लगा देना है। अब हम इसे क्या करेंगे कि 8, जैसे देखिए 8 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14 आ जाएगा, और 3 का 3 ही लिख देंगे। अब -14 में 3 को जब 3 जब जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर -11 बचेगा बटा 12, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, -11 बटा 12, ये घटाव का। अब चलिए हम लोग गुना करने सीख लेते हैं। तो गुना का सवाल हमारा क्या था, गुना का सवाल हमारा था तीसरा सवाल। दोस्तों ये हमारा गुना का सवाल है और इसे चलिए सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर नीचे वाला कोई भी संख्या से ऊपर वाला कोई भी संख्या कट रहा है तो आप उसको आसानी से काट सकते हैं। जैसे कि 7 से अगर 5 कट रहा है, या 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, तो आप काट सकते हैं। या जैसे 2 से कट रहा है ऊपर वाला तो काट सकते हैं, या 6 से कट रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काटेंगे। जैसे 2 से अगर हम काटेंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा। इसके बाद यहाँ पर ये 3 से काटे 6 को तो 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब ये 1 बार में और ये 1 बार में हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे। जैसे 5/2 है गुना 1/1 है गुना 3/7, ठीक है। 5/2, 1/1 और 3/7, इतना लिख दिया हमने। इसके बाद हमें ऊपर वाले को गुना कर देना है और नीचे वाले को गुना कर देना है। जैसे 5 एकम 5 और 5 3 15, तो ये हमारा आ गया 15। फिर बटा का चिन्ह देंगे, उसके बाद 2 एकम 2 और 2 7 14, तो ये हमारा 15/14 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया गुना का आंसर। अब हम चलिए भाग देने सीखते हैं। इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, एकदम ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाग का जो हमारा सवाल है, वो भाग का सवाल हमारा है, जैसे चौथा सवाल हमारा जो है, ये हमारा भाग का सवाल है। तो इसको मैं बनाने के लिए 2 ट्रिक आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा कठिन ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं एकदम ही आसान वाला ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए कठिन वाला ट्रिक पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5/3 है तो इसको 5/3 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, 5/3 ऐसे ही। इसके बाद भाग का चिन्ह देंगे, इसके बाद 1/6 भी लिख लेंगे। इसके बाद गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पर, इसके बाद इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है, यानी 5 को नीचे कर देंगे 4 को ऊपर कर देंगे। तो 4 को ऊपर कर देंगे 5 को नीचे कर दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इतना तो आ गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, 5/3 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर इन सब को पलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो जैसे 6 × 5/1 × 4 ऐसे हो गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ नीचे था तो यहाँ ऊपर आ गया, और यहाँ ऊपर था तो यहाँ नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है इसको कि अगर कट रहा है कोई तो काट सकते हैं। जैसे कि 4 से कट रहा है 6 तो इसको काटेंगे, 2 दूना 4 2 दिया 6। या 3 से 15 कट रहा है, यहाँ पर नहीं कटेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि 5/3 × 3/1 × 5/2 ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 5/2 है, 5/2 लिख दिया, 3/1 है, 3/1, फिर 5/3, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसको सबको गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए अगर ये 1 मिनट ये भी कट रहा है, 3 से यहाँ पर 3 कट जाएगा, ठीक है।
अब हम चाहे तो गुना कर सकते हैं, जैसे 5 50 25, ठीक है, 25 बटा 2 एकम 2, यहाँ पर एक बार में कटा एक बार में कटा, तो इसको गुना कर देंगे, तो 25 बटा 2 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये तो रहा थोड़ा कठिन ट्रिक, लेकिन मैं आपको एकदम आसान ट्रिक वो बाय बता रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा भाग का सवाल है और एकदम आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ज़्यादा मतलब उलट फेर नहीं करना है, बस आपको सिंपल क्या करना है कि 5/3 जो है यहाँ पर, 5/3 यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, इसके बाद बीच वाले को, ठीक है, जैसे बीच मान लीजिए हमने इसको भी नहीं पलटेंगे, इसको भी नहीं पलटेंगे, बीच वाले को पलट देंगे। ठीक है, जैसे 1/6 है तो 6/1 कर देंगे यहाँ पर, तो 6/1, फिर इसके बाद इधर से भी पलटी हो गया, तो इसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, इसके बाद लिखेंगे 5/4। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, जैसे देखिए 3 से अगर कट रहा है तो 3 से 3 दुना 6, ठीक है, 2 बार में कटेगा, और ये 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 दुना 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भी बच गया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 5 ये एक बार में कटा ना, यहाँ पर एक बार में कटा और ये भी एक बार में कटा, तो 5/1 गुना 6/1, सॉरी यहाँ पर 1/1 होगा, 1/1 फिर गुना 5/2, ये हमारा आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, जैसे 5 एकम 5 और 50 25, ठीक है, बटा 1 एकम 1 और 1 दुना 2, यहाँ पर हो गया 25/2, देखिए सेम आंसर वही आ गया। तो ये थोड़ा आसान ट्रिक है, ठीक है, कम मतलब कम जगह में बनता है और ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है इसमें, तो इससे आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको 4 मिल जाए तब क्या करेंगे, तब तो वही ट्रिक अपनाना पड़ेगा, या फिर एक को छोड़कर एक को आप पलट सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 6/2 आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे इसको, जैसे इसको भी पलटेंगे और फिर इसको भी पलटेंगे, ठीक है, मतलब अल्टरनेट करके पलटेंगे, जैसे एक को छोड़कर एक को पलट देंगे, तो ऐसे एक ही स्टेप में आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, और आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा अच्छे से समझ में आ गया तब भी आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।